देखिए कैसे रोका गया आगा सैयद रोहिल्ला जी को पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 पर बात करने से। डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं हुआ था आप और हमारे लिए ठीक नहीं हुआ था आप उस और हम आपके आप मर्जी के गुलाम नहीं है। यहाँ पे सभी मेंबर हजरत जो है वो ग्रांट्स के हवाले से, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज वगैरह के हवाले से डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनकी खुशकिस्मती है कि इनके हालात नॉर्मल है, वो इक्वल सिटीजन है इस मुल्क के, इनके राइट्स इक्वल है, इनके राइट्स फर्स्ट क्लास है, इस तरह के डिबेट्स में हिस्सा ले पा रहे हैं, हमारे लिए ये लग्जरी नहीं है। हालांकि मैं भी चाहता था आज के दिन इस तरह के डिबेट में हिस्सा लूं, मेरे पास भी ये लग्जरी हो, प्रिविलेज हो एक इक्वल सिटीजन की तरह इन मामला पे बात करूं, मगर आज 5 अगस्त के दिन जो इस ऐवान में 5 साल पहले हुआ था मेरे लिए, हाँ ठीक है आपके लिए ठीक हुआ था, मुल्क के लिए ठीक नहीं हुआ था, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं हुआ था आप और हमारे लिए ठीक नहीं हुआ था आप उस और हम आपके आप मर्जी के गुलाम नहीं है, आपके ठीक होने और ना होने के गुलाम नहीं है, आपकी मर्जी का गुलाम नहीं है, आपका अपनी पार्टी के लिए ठीक हुआ आपका इस मुल्क की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ठीक नहीं हुआ और इस ऐवान के लिए ठीक नहीं हुआ। ऑनरेबल चेयरमैन, 5 साल पहले जिस दिन आप बजट से बोले इस ऐवान में वो काला कारनामा किया गया, आपके पास बहुत से अवसर हैं, बैठे बहुत से अवसर हैं जब आप बोल सकते हैं बात। 5 साल पहले आज के दिन समय समाप्त हो जाएगा, सुनने की हिम्मत भी रखा करो। प्लीज बजट पे बोलो। डिक्टेटर्स की ये खसूसियत होती है, डरते हैं सुनने से। 5 साल पहले आज के दिन जम्मू कश्मीर की इज्जत को द्रौपदी की तरह यहाँ पे तार तार किया गया और ये कौरवों की तरह कार्रवाई का हिस्सा की तरह हंस रहे थे, मजे उठा रहे थे कि दिन जम्मू कश्मीर के आवाम को, जम्मू कश्मीर की पूरी लीडरशिप को कैद किया गया था और हमसे हमारा स्टेटस, जमहूरी हकूक, हमारे राइट्स